अपने वाले चंदन बिहारी और ये प्रमुख छात्रीगण और उनके बेरोजगारों की समस्या लेकर के लड़ने वाले उनके सभी सहयोगीगण, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, इस बिहार की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याओं को जो उठाया उसमें बेरोजगारी प्रमुख है। और बेरोजगारी बिहार के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी निशानी है। भारत में जब अंतिम पायदान पर बिहार को कहा जाता है तो बेरोजगार लोगों की संख्या सबसे अधिक बिहार में पाई जाती है, इसकी भी चर्चा होती है और रोजगार की तलाश है। इस देश के किसी प्रदेश के सबसे अधिक नौजवानों को, चाहे पढ़े लिखे हों या अभाव में पंडित न पाए, पलायन बिहार के नौजवानों का और बिहार वासियों का होता है। सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और खास तौर से चंदन जी जो हमारे पुराने मित्र हैं और उनका इन्होंने जीविका संगठन से लेकर कई संगठन तक अपनी साख बना रखी है, इनका पार्टी में हार्दिक अभिनंदन है। आपसे डॉक्टर साहब हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं और पार्टी की ओर से मैं आप सब लोगों का आज हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, पार्टी में स्वागत करता हूँ। आज इस कार्य के लिए मधुमंद्री जी बधाई के पात्र हैं और राजेश जी जिनके प्रयास से आप सब लोग पार्टी की प्रत्यात्मक सदस्यता आप लोगों ने ग्रहण की और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी मेहनत से पार्टी की साख बढ़ेगी और पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ेगी। माननीय लालू प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद देवदेव प्रसाद और हमारे जो समाजवादी पुरखे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को उन्होंने धरती पर मजबूती के साथ उतारने का काम किया, उनकी इस लड़ाई को जिसको अभी तक अंजाम नहीं मिला है उसको अंजाम देने में आपका पूरा पूरा सहयोग है। हमें बहुत ही खेद है इस बिहार के मुख्यमंत्री जो खुद को पिछड़े समाज का होने के बावजूद उनकी जो सोच है वो बिल्कुल गैर समाजवादी विचार रखते हैं। का रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी आंदोलन हुई, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज से नहीं आप कई बार से बिहार की सत्ता में आप हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी जैसे कितना बेरोजगार की संख्या क्यों दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके स्वास्थ्य और स्वास्थ्य भी जैसे की समाप्त होते जा रहा है, साथ साथ आप बोलते हैं कि मैं समाज सुधार आंदोलन का गठन करने जा रहा हूं आपका, तो सबसे पहली बात है कि हम समाज कैसे बनाएंगे, समाज कैसे सुधारेंगे, जब शिक्षा नहीं रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको कैसे समाज बन सकता है, कैसे सुधर सकता है। आप सबसे पहले मुद्दा है बेरोजगारी पर, आज जो राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य मुद्दा है कि बेरोजगारी हटाओ, लोगों को रोजगार दो, स्वास्थ्य पर मुद्दा है, दवाई पर, सुनवाई पर, सारे चीजों पर मुद्दा है और आज से नहीं कई बार से हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगते आ रहे हैं और बिहार का ठगने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते आ रहे हैं, ये जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और कब तक ठगाते रहेंगे, बिल्कुल एक पटल और एकता बना करके और आप लोगों को आना पड़ेगा और जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल को आप भारी से भारी बहुमत लाने का कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि जो गरीबों की नेता और हकीकत जमीने की लड़ाई जो लड़ रहा है वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं।